अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बताइए आप यहाँ पर किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए थे आपने और किसे आपने ज्ञापन दिया? मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, मैं CHO टोकखुर्द ब्लॉक से हूँ। हम लोग आप देख सकते हैं कि हम लोग सारे समस्त CHO हैं जो टोकखुर्द ब्लॉक से। हमारा अगस्त 2023 से PBI, आज मई हो गई है, 20 तारीख हो गई है, अभी तक PBI हमारा रिलीज़ नहीं किया है। एक साल हो गया है, हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है। किसी की बच्चे की फ़ीस का इशू है, किसी का मकान का इशू है, हमारी इतना सैलरी में इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है। जो हमारा PBI रहता है वो मंथली डालना चाहिए कि हर महीने हमारा PBI आ जाए, लेकिन किसी का बहुत अमाउंट बचा। हम लोग कम से कम ब्लॉक में 29 CHO है, 29 CHO का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो हमारे CMHO सर से यही निवेदन है कि हमारा जो PBI है एक साल का है वो रिलीज कर दिया जाए। कब से रुका हुआ है आपका PBI? अगस्त 2023 से। कितने लोगों का करीब रुका हुआ? 29 CHO का है। कितना पेमेंट रुका हुआ करीब? 32-38 लाख रुपए, 32 लाख समथिंग पेमेंट है। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ बोला है सर ने? ज्ञापन दे दिया हमने यहाँ पे CMHO ऑफिस में, बोला है कि इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे, आगे के लिए हम बताएंगे जो भी रहेगा आपको। हमारा यही निवेदन है कि हमारा 8-10 दिन में हमारा सार, क्योंकि सारे ब्लॉक का PBI हर मंथली निकल जाता है और हमारा मार्च सेशन वित्तीय वर्ष रहता है, बट हमारा जो मार्च में डलना था लेकिन वो अभी तक नहीं डल चुका। आपकी सैलरी जो है वो हर महीने बराबर आ रही है? सैलरी तो हर महीने बराबर आ रही है सर, लेकिन 20-25 हज़ार रुपये में हमारा कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। हमारी कोई 50-60 हज़ार रुपये सैलरी तो है नहीं कि हम लोग मैनेज कर सकें, क्योंकि ब्लॉक से भी हमने ब्लॉक में भी दो बार ज्ञापन दे दिया है कि ब्लॉक से भी हमारी कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसके बारे में आगे आपने कभी कहीं चर्चा करी जी ब्लॉक में? एक ब्लॉक में हमने बात करी थी, दो बार CBO में मम को लेटर दिया है, तो वहाँ से हमें बोला है कि एक बार आप CMHO सर को ज्ञापन दे दीजिए। आपका नाम और पद बता दीजिए। मिस पिंकी कुशवाहा, CHO अग्रोथ ब्लॉक टोकखुर्द। बताइए किस प्रकार का कौन ज्ञापन देने आया था आपके पास, क्या कुछ मांगी थी? टोकखुर्द ब्लॉक के CHO द्वारा ज्ञापन दिया गया है मुझे आज, उसमें उनके द्वारा किया गया है उनका PBI जो अगस्त से अभी तक नहीं मिला है। मैं DPM से और BCM से बात करके उसमें क्या परेशानी है कि देखने के बाद उसको करवाते हैं। उनका कहना है कि सभी ब्लॉक में मिल गया है, केवल टॉप ब्लॉक में नहीं मिला है, तो मैं क्या कंडीशंस रही है उसकी देखता हूँ, तो उससे करवाने की कोशिश करूँ। सर काफ़ी परेशान दिख रहे थे सारे CHO हुआ परेशान कि अगस्त से अगर नहीं मिला है तो इन्होंने अगस्त से अभी तक इंतजार किया है। BCM ने इनको आश्वासन दिया था कि निकल जाएगा, तो मैं नीचे अकाउंट सेक्शन में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसमें क्या किया जा सकता है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर MS गोसर, DHO